पुराण में एक बात लिखी है, स्कंद पुराण में लिखा है कि सतयुग में, सतयुग की जितनी आयु है उतनी आयु पर्यंत कोई तपस्या करे उसे जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती थी सतयुग में पूरे युगायु तक, युगायु पर्यंत त्रेता में वही पुण्य 500,000 वर्ष तक तपस्या करने से प्राप्त हो जाता है। सतयुग में पूरी सतयुग की आयु जितनी है उतने समय तक तपस्या करने से जो पुण्य मिलता था वो पुण्य त्रेता में 500,000 वर्ष की तपस्या से प्राप्त हो जाता है, और द्वापर में वह पुण्य 1,00,000 वर्ष की तपस्या से प्राप्त हो जाता है, और कलयुग में केवल एक दिन रात भगवान के नाम का जप कर लेने से वो सतयुग का पूरे युग का पुण्य, त्रेता का 500,000 वर्ष का पुण्य, द्वापर का 1,00,000 वर्ष का पुण्य कलयुग में केवल एक दिन एक रात्रि, दिनई केन, रात्रि तो हम बोल रहे हैं दिनई केन, एक सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ खाओ पियो नहीं, केवल जप करो, तो सतयुग का पूरे युग का पुण्य, त्रेता का 500,000 वर्ष का पुण्य और द्वापर का 1,00,000 वर्ष भजन का पुण्य, केवल एक सूर्योदय से सूर्यास्त तक कोई हरिनाम ले ले उसको प्राप्त हो जाएगा। बताओ है इतना कोई पुण्य देने वाला नाम के अतिरिक्त? कृते तु युग, लिख लो श्लोक, कृते तु युग पर्यंतम त्रेतायाम लक्ष पंचकम द्वापरे लक्षमेकंतु दिनैके न कलौ युगे, एक दिन में कलयुग में वो प्राप्त हो जाता है। पद्म पुराण में लिखा है महाराज जी, कृते अध्यायतो विष्णुं त्रेतायाम यजतो मखैः द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरी कीर्तनात्। सतयुग में ध्यान से जो फल मिलता था त्रेता में यज्ञ से, द्वापर में परिचर्या से, वही फल कलयुग में केवल नाम संकीर्तन से मिल जाता है। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।